खरगोन जिले में कोरोना महामारी के चलते मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में महामारी के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इस बात का पता उस समय चला जब प्रशासनिक अमला चालानी कार्यवाही करके मास्क बांट रहा था। दरअसल जिले में संक्रमित बीमारी से बाधित लोगों की संख्या 137 तक पहुँच चुकी है। हालांकि 100 से अधिक लोग बीमारी से निजात पा चुके हैं, फिर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लिहाजा परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह तैयार है, जिसे लेकर शहर में बिना मास्क के घूमते लोगों पर चालानी कार्यवाही करके महामारी से बचने की जद्दोजहद की जा रही है। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए नगर पालिका प्रशासन के प्रकाश चित्ते ने बताया कि शहर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही कर मास्क का वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को जनजागृति आएगी और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। किस तरह की कार्रवाई की है? यह बगैर मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई निरंतर जारी है पिछले एक हफ्ते से। माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शुक्ला जी के निर्देश अनुसार अब प्रतिदिन विभिन्न चौराहे पे बगैर मास्क वाले और खुले में थूकने वालों की चालानी कार्रवाई करते हैं। सर, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को हम निगरानी रख रहे हैं और जैसे हमको बगैर मास्क का कोई दिखता है उसको रोकते हैं, उसको पहले मास्क देते हैं और 100 रुपये का चालान लगा। आज कितने चालानी कार्रवाई की गई होगी? यह प्रतिदिन कम से कम 50-60 लोग पकड़े में आते हैं। आज अभी तक हमारे यहाँ भी 20-25 लोग हो गए हैं। इनकी 100-100 रुपये की रसीदी भी बनाती है, इनको मास्क भी उपलब्ध करा दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।